हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेल्ट्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इनकी सही से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, टर्म बेल्ट से तो आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, आज हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या होती है, ये एक लूप होता है, लूप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का लूप होता है जो क्या करते हैं, यूज्ड टू लिंक टू और मोर रोटेटिंग शाफ्ट मैकेनिकली। दो से ज़्यादा रोटेटिंग शाफ्ट को लिंक करने के लिए हम इस बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं, या हम ये भी करते हैं कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम इस बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। एक पुली से दूसरी पुली के दरमियान जब हमने पावर ट्रांसमिट करनी हो तो तब हम बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो बेल्ट के बारे में आपको पता चल गया। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टाइप्स के बारे में देखते हैं तो बेसिक इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक इसकी फ्लैट होती है और दूसरी इसकी वी टाइप, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो इसकी सर्कुलर या रोप टाइप बेल्ट भी हम इसे कह सकते हैं। जैसा कि हम बेल्ट को मैंने आपको बताया, मज़ीद अगर हम स्टडी करें तो ये बेसिकली क्या करती है कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, या हम एफिशिएंट, या हम कह सकते हैं कि एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेल्ट में बी यूज एज अ सोर्स ऑफ मोशन टू ट्रांसमिट पावर एफिशिएंटली। एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं, या भी कोई भी चीज़ हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के दरमियान अगर हमने पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम बेल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरा, हम बेल्ट को मज़ीद स्टडी करें तो हम कहते हैं कि बेल्ट आर लूप्ड ओवर पुली एंड मे हैव अ ट्विस्ट बिटवीन द पुली। पुली के ऊपर इस तरह से टर्न किए हुए, इसको टर्न किए होते हैं पुली को इस बेल्ट्स ने। ठीक है फ्रेंड, अब हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। बेल्ट की बेसिक टाइप तीन तरह की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लैट टाइप बेल्ट होता है, और दूसरा वी टाइप बेल्ट होता है, और तीसरा सर्कुलर बेल्ट होते हैं। अगर हम फ्लैट बेल्ट को देखें तो फ्लैट बेल्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि फ्लैट बेल्ट आमतौर पर एग्रीकल्चर में आपने देखे होंगे कि ये फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर भी हम कह सकते हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये लाइट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन, या हम कह सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कन्वेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इन फ्लैट बेल्ट को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एग्रीकल्चर के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो ट्यूबवेल के अंदर जो लगे होते हैं हमारे पास ट्यूबवेल, उनमें ये फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, कि ये बेस्ट सूटेड फॉर एप्लीकेशन विद स्मॉलर पुलीज एंड लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस। जिनका स्मॉलर पुली होते हैं और जिनका लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस होती है, उनको वहाँ पे भी हम इन फ्लैट बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अगर हम इनको मज़ीद स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि एक पुली और दूसरी पुली के दरमियान, अगर दो पुली के दरमियान जो मैक्सिमम फासला होता है फ्लैट बेल्ट यूज़ करने के लिए, वो मैक्सिमम 8 मीटर होता है। मींस जहाँ पे दो पुलीज के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस 8 मीटर हो, तब हम इन फ्लैट बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के 8 मीटर से ज़्यादा दो पुलीज के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। दूसरी टाइप हमारे पास वी बेल्ट की होती है। वी बेल्ट की बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो ट्रेपेज़ॉइडल शेप होती है, और या हम कह सकते हैं कि ये इसका जो ये भी बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हम आपको बताया था चलूँ कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, ये देखें अगर हमारे पास ये शीव है इसका, तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन होगा, जो बेल्ट होगी उस शीव के अंदर इस तरह से बैठी होगी। मीन इसका जो नीचे से फ्लैट और ऊपर से इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैट टाइप, ये हमारे पास वी टाइप बेल्ट होती है। वी टाइप बेल्ट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास दो पुली एक दूसरे के नज़दीक तरीन होती हैं, और जहाँ पे हमारे पास हाई पावर हमें चाहिए होती है। हाई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बेल्ट होते ही पावर को ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं, और ये टाइप्स इसकी डिपेंड करती हैं कि कहाँ पे इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कहाँ पे कम पावर वाले बेल्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। मीन जब देखेंगे दो पुलीज एक दूसरे के करीब होती हैं तब हम इसको वी बेल्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। जब मैक्सिमम 8 मीटर का डिस्टेंस होता है तो हम फ्लैट बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। हम सारी ही इनको पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट हमेशा ही पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद सर्कुलर बेल्ट या रोप बेल्ट हम कह सकते हैं। सर्कुलर बेल्ट को या हम कहते हैं कि रोप। अब ये सर्कुलर बेल्ट क्या होती है कि आमतौर पर आप लोगों ने क्रेन में देखा होगा कि क्रेन के अंदर जो पुलीज लगी होती हैं, क्रेन के अंदर जो बेल्ट लगी होती है उसको हम सर्कुलर बेल्ट भी कहते हैं या रोप भी कहते हैं। आमतौर पर मेटल की ये रोप होती है,
और अगर हम कहते हैं कि इनमें जो पुलिस होती हैं और पुलिस में जो जो आमतौर पर जिन पुलिस के दरमियान इनका जो फासला होता है 8 मीटर से ज़्यादा होता है, तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलर बेल्ट को या हम रोप को इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेल्ट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेल्ट और इनकी टाइप के बारे में सही से समझ आ चुकी होगी। अगर इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।